बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा सेना के जवान हुए शहीद। जब से बीजेपी की सरकार आई है सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। बीजेपी सरकार में 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी कभी धर्म कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों के 10,00,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किया। वो सरकार बताए कि क्या उद्योगपतियों के 10,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा माफ किया कि नहीं किया। जो 14 में आए हैं उनको 24 में भगाएंगे, अखिलेश यादव। जो 14 में आए हैं ये अधिवक्ता साथी मिलकर के 24 उन्हें निकाल बाहर करेंगे। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं। 40,00,000 करोड़ का जो सपना दिखाया था। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर। आज यहाँ अधिवक्ताओं की महासम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश भर से और देश के अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष भी सम्मेलन में आए हुए हैं, जिसको इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। और अपने प्रदेश के अध्यक्ष सिकंदर यादव को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मिलकर के एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। अभी मैं अपने एक एक अधिवक्ता साथी जो हॉल में बैठे हैं, खड़े हैं, जो हॉल में नहीं आ पाए हैं, बड़ी संख्या में साथी पिछले कई घंटों से खड़े हैं, उन लोगों ने जो कार्यक्रम सफल किया मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। अपने प्रदेश के अध्यक्ष सिकंदर यादव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कृष्ण कन्हैया पाजी और उनके सभी साथियों का उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, हर बात को आप समझते हो, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हो। समाजवादी पार्टी और मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर मैं कहता हूं कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलाने पर, बुलावे पर सब जाते हैं। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जुड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है, और उससे पूछे कि जो निवेश आना था 40,00,000 करोड़ का, जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। जब पैसे वाले सब भारत छोड़ के चले जाएंगे और लगातार लोग जा रहे छोड़कर, वो जो असुरक्षा का भावना है, जो इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर क्या तरक्की खुशहाली का कोई सपना देखना चाहे?
कोई नौजवान कोई काम करना चाहे, अच्छी पढ़ाई हासिल करना चाहे, तो क्या है उसके भविष्य? इसलिए बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके गए हैं, कम से कम सरकार को वो सूची जारी करनी चाहिए। और जो छोड़ के गए हैं वो भारत से कितना पैसा लेके गए हैं? जब से बीजेपी की सरकार आई है सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की 2014 से सरकार आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर के उद्योगपति चले गए। कुछ कानून के तहत गए, कुछ पैसा लेके भाग गए बैंकों का। और जिसने नोटबंदी की सरकार ने, वो सरकार बताए कि क्या उद्योगपतियों के 10,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा माफ किया है कि नहीं किया है? ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों पर चर्चा आप लोग नहीं करते हो। जो 14 में आए हैं ये अधिवक्ता साथी मिलकर के 24 उन्हें निकाल भाग करेंगे। थैंक यू। लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर अधिवक्ता सभा का सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में जिस भाजपा की सरकार बनी थी, अधिवक्ता बंधु अपने अपने इलाके में अगर वो चाहेंगे तो 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों से हराते हुए देश की सरकार से बाहर किया जाएगा। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ 10 मिशन, लखनऊ। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ 10 नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।